हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डांस क्लास। दिस इज शिप्रा शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखना सॉन्ग का ट्यूटोरियल। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे। नाउ लेट्स अ लुक ऑन द वीडियो। तो हमारा गाना शुरू होता है विद द म्यूजिक और उस म्यूजिक में 16 बीट्स हैं ना। वो बीट्स के ऊपर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं ऑन द फ्लोर, या फिर आप पहले से ही वहाँ जाके खड़े हो सकते हैं। एंड सॉन्ग स्टार्ट होने के बाद जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, आप पूरे एरिया को कवर करते हुए घूम सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। ना जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, आपको जितना एरिया मिला है डांस करने के लिए हमें वो पूरा कवर करना है ताकि डांस अच्छा लगे, देखने में अट्रैक्टिव लगे और इंटरेस्टिंग भी। तो हमारा जब गाना स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट करेंगे राइट डायरेक्शन से और स्मैक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो 1 2, एक बार हम राइट डायरेक्शन में स्नैप करेंगे और एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में। और ध्यान रखें, जब आप वॉक करेंगे तो सिंपली वॉक नहीं करना है, पैर को अच्छे से उठाना है एंड देन उसको सामने की तरफ रखना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑन द काउंट ऑफ 8 हम टर्न हो जाएंगे एंड देन वापस हम सेंटर में जाएंगे। नाउ दिस टाइम अगर आपने कुछ फ्लैरी सा कुछ पहना हुआ है, लाइक लॉन्ग स्कर्ट या गाउन, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। सो 1 2 3 4, सो 4 कदम हम आगे आएंगे अपना सेंटर में और उसके बाद आपके दोनों हाथ आपको कमर पे लेके जाने हैं एंड देन बाकी के जो 4 बीट्स हैं उन पे आपको अपनी कमर को मूव करना है। सो इट विल बी 1 2 3 4। कमर को मूव करने के लिए और स्टेप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप हल्का सा अपनी नी को ऊपर उठाएंगे, बेंड करेंगे 1 by 1, राइट लेफ्ट। इसी के साथ आपको अपने शोल्डर्स को भी अप डाउन करना है। सो 1 2 3 4, और इसी के साथ हमारी लाइन स्टार्ट होती है, ये भी ना जाने वो भी ना जाने। नाउ ऑन द लाइन ये भी ना जाने, इस पे आपका जो फुटवर्क रहेगा, आप राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, राइट लेग को राइट डायरेक्शन में आगे रखेंगे एंड देन वापस लेकर आएंगे। और इसके साथ हमारा जो हैंडवर्क रहेगा, आप राइट हैंड को राइट लेग के साथ आगे की तरफ लेकर जाएंगे। जब आप अपने राइट लेग को वापस अपनी जगह रखेंगे, आपको जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है आपको अपनी चिन के पास रखनी है एंड देन दोनों हाथों को आपको हाथों की ऐसी मुद्रा बनाकर अपने शोल्डर्स के लेवल पर लेकर आना है एंड शोल्डर्स को अप डाउन करना है एक बार। इसी के साथ हल्का सा आपको अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाना है। सो 1 2 3 4, ऑन द काउंट ऑफ 4 हम अपने हाथों को वापस अपनी जगह लेकर आएंगे नीचे। देन वो भी ना जाने, ऑन दैट हम सेम चीज़ लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन इस बार हमारा जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो नीचे की जगह ऊपर की तरफ आपको पॉइंट आउट करना है वो। एंड देन अगेन 1 2 3, सो हमारी जो लाइन थी ये भी ना जाने वो भी ना जाने, इस पे आपका जो स्टेप रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख सकते हैं कि जब मैं पैर को बाहर ले जाने के बाद वापस अपनी जगह रखती हूँ तो मैं टो के ऊपर रखती हूँ, सो इससे हमारा स्टेप थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। एंड द नेक्स्ट लाइन इज नैनो के रंग नैना जाने। नाउ दिस टाइम आप एक सर्कल बनाते हुए वॉक करते हुए वापस अपनी जगह पे आएंगे 1 2 3 4, ओके हमें सर्कल बनाना है और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, लेफ्ट हैंड आपका कमर के ऊपर रहेगा और जो आपका राइट हैंड रहेगा वो आपको अपनी आईज के ऊपर रखना है एंड देन स्लोली स्लोली अपने फिंगर्स को फोल्ड करते हुए राइट डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करना है। सो 1 2 3 4, ये था नैनो के रंग। इस लाइन पे हमें ये सर्कल बनाना है। आप ध्यान रखिए कि जब आप ये स्टेप कर रहे हैं हल्का सा आपको बेंड होना है अपने नीज के ऊपर। सो ये हमारी लाइन थी नैनो के रंग।
नाउ ऑन द लाइन नए ना जाने उस पे आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने चिन के लेवल पे लेकर आएंगे, फिस्ट बनाना है आपको, एंड देन राइट हैंड जो है वो हमें लेफ्ट हैंड के ऊपर लेकर आना है, एंड देन वन इस तरीके से उसको टकराते हुए आपको दोनों हाथों को खोलना है, एंड देन आपके हाथों की पोजीशन यही रहेगी, आपको अपने दोनों हाथों को ओपन रखना है, नीज के ऊपर बेंड करना है, एंड देन आपको अपने शोल्डर्स को मूव करना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये था जाने। नाउ आपको अपने शोल्डर्स को सर्कुलर मोशन में मूव करना है और नीचे से ऊपर उठते हुए आना है, वन टू। सो हमारी जो कंप्लीट लाइन थी नैनों के रंग नैना जाने उस पर आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा। ऑन दैट हम अपने राइट डायरेक्शन में जाएंगे, हम नीज के ऊपर बेंड करेंगे एंड देन वॉक करते हुए हमें 3 कदम सामने की तरफ जाना है इन द राइट डायरेक्शन, 1 2 3 एंड देन ऑन द काउंट ऑफ 4 हम बाउंस करेंगे 1। सेम चीज हम लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे, 1 2 3 4। इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा ऑन द लाइन मिला जो संग तेरा, आप अपने दोनों हाथों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे सामने से, देन इनको नीचे लेकर आएंगे एंड स्लोली स्लोली खोलते हुए ऊपर लेकर जाएंगे एंड अपने दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करेंगे। सो जब आप राइट जाएंगे तभी 1 2 3 4, एंड देन जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे उस टाइम पे आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड देन डायगोनल रखेंगे, आपका जो लेफ्ट एल्बो है वो ऊपर रहेगी, राइट एल्बो नीचे रहेगी, एंड देन अपने फिंगर्स को इस तरीके से वेव करते हुए खोलना है, 1 2 3 4। जब हम वॉक करेंगे हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलना है, सो 1 2 3 4। सो आपकी जो लाइन थी उस पर आपका पूरा स्टेप रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज हवा में होके मलंग। ऑन दैट आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे हवा में एंड देन आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूव करना है 3 times, 1 2 and 3। 3 बार हमें राउंड्स लेने हैं। इसके साथ आपका जो फुटवर्क रहेगा, आपका लेफ्ट लेग अपनी जगह पर ही रहेगा और आपको उसको वहीं पे घुमाना है, और जो आपका राइट लेग रहेगा पहले आप एक बार उसको सामने लेकर आएंगे ऑन द टो, आपके पैर में स्ट्रेच आना चाहिए, सो हमें एकदम टो पे रखना है, थोड़ा सा दूर लेकर जाना है एंड उस पर प्रेशर डालते हुए अपने आप को खिसकाना है, एंड उसके बाद हम लेफ्ट डायरेक्शन में अपने पैर को रखेंगे एंड देन राइट डायरेक्शन में, और इस तरीके से आपको सामने आना है। सो आपका जो स्टेप रहेगा 1 2 3 एंड देन इसके बाद हम एक राउंड लेंगे 1 and 2, और इस राउंड के साथ आपको लेफ्ट डायरेक्शन में आना है। ना जब आप अपनी जगह पर घूम रहे हैं उस टाइम पे आपको अपनी कमर को मूव करना है, कमर को बाहर निकालना है, सो 1 2 3। मे बी स्टार्टिंग में आपको इस स्टेप में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो क्योंकि आपको अपने पैर हाथ और कमर तीनों एक साथ चलाना है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप है, सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, और बहुत जल्दी हमें निराश नहीं होना है कि 2 दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए अभी तक तो आया नहीं है, इट टेक्स लिटल बिट टाइम बट यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो जितना टाइम लगे आराम से दो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है, खुश होके प्रैक्टिस करनी है। सो 1 2 3 4 1 and 2। तो आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा ये भी न जाने से लेके हवा में होके मलंग तक दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
नाउ द नेक्स्ट लाइन इज जग की कोई रीत न जाने. ऑन दैट हमारा जो फुटवर्क रहेगा, हमारा जो राइट लेग है वो हमें टो के ऊपर रखना है, एंड देन उसको हम राइट डायरेक्शन में हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, देन लेफ्ट लेग को ड्रैग करते हुए उसके पास लेकर आएंगे, एंड वन मोर टाइम राइट लेग को उठाकर रखना है, लेफ्ट लेग को ड्रैग करना है. सेम चीज लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट लेग को टो पे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, राइट लेग को ड्रैग करेंगे, एंड देन वन मोर टाइम. इस स्टेप को करते हुए हल्का सा आपको जंप करना है, बाउंस करना है अपने नीज के ऊपर. सो 1 2 3 4. अगर आपको याद हो सो ये जो हमारा स्टेप था हवा में होके मलंग, इसके साथ हम अपने लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए थे, लेफ्ट कॉर्नर में आ गए थे. सो इस स्टेप को करते हुए हमें हल्का सा आगे बढ़ना है, 1 2 3 4. इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, आपका राइट हैंड आपको सामने लेकर आना है, एंड देन इस तरीके से स्ट्रेट घुमाते हुए पीछे लेकर जाना है. सेम चीज़ जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए पीछे लेकर आना है. आप ध्यान रखें, आपको अपने हाथ को कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना है, जितना हो सकता है आपको खोलना है. सो 1 2 3 4. देन जग की कोई रीत ना जाने, ऑन द लाइन रीत ना जाने. आपका फुटवर्क रहेगा सिंपली, आपको पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन करना है. एक बार आपको राइट लेग पे बैलेंस बनाना है और एक बार लेफ्ट लेग पे बैलेंस बनाना है. इसी के साथ आपको अपने हिप्स को मूव करना है, 1 2 3 4. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इस तरीके से क्रॉस करना है, नीचे छोड़ना है, क्रॉस करना है, नीचे छोड़ना है. सो आपका जो स्टेप था कंप्लीट, जग की कोई रीत ना जाने, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. देन द नेक्स्ट लाइन इज मैं तो बस तेरी हुई दीवानी. उस पे आपका जो फुटवर्क रहेगा, हम लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे. यहां से हमने फिनिश किया इधर, इसके बाद हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे. क्रॉस लेग करते हुए हमें 3 स्टेप आगे जाना है, 1 2 3, एंड देन ऑन द काउंट ऑफ 4 हम जंप करके अपनी पोजीशन पे आएंगे, 4. जब आप 3 कदम आगे बढ़ेंगे, अगेन उस टाइम पे भी आपको हल्का सा बाउंस करना है क्योंकि म्यूजिक बहुत फास्ट है. सो 1 2 3 4. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, लेफ्ट हैंड सिंपली आपको कमर के ऊपर रखना है, और जो राइट हैंड है वो एक बार लेफ्ट शोल्डर पे, एक बार नीचे, एक बार लेफ्ट शोल्डर पे, और एक बार सामने. सो 1 2 3 4. सो इट विल बी मैं तो बस तेरी. देन हुई दीवानी, इस पे आपका फुटवर्क रहेगा, लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, एंड बेंड करते हुए राइट लेग को भी उसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे. सेम राइट लेग को राइट डायरेक्शन में, बेंड करते हुए लेफ्ट लेग को उसके साथ. सो 1 2 3 4. जंप करना ना भूलें क्योंकि सॉन्ग बहुत फास्ट है, हमें अपनी पूरी एनर्जी डालनी है. और इसके बाद आपका जो हैंडवर्क रहेगा इस फुटवर्क के साथ, दैट विल बी सिंपली आपको लेफ्ट हैंड को नीचे छोड़ना है, और जो आपका राइट इंडेक्स फिंगर है अपने सर के पास लेकर आनी है, एंड देन सर्कुलर मोशन में उसको मूव करना है. सो 1 2 3 4 दीवानी. सो मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, इस लाइन पे आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा, दैट विल बी हमने स्टार्ट किया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा. अगेन हम स्टेप को रिपीट करेंगे, द ओनली डिफरेंस इज इस बार पहले हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे एंड देन राइट डायरेक्शन में. सो मिला जो संग तेरा, एंड देन उड़ा पतंग मेरा, एंड देन अगेन हवा में होके मलंग. इस बार आपका जो स्टेप रहेगा, हाथों की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, लेकिन हमें सिंपल राउंड लेते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है. हमें 2 राउंड्स लेने हैं फास्ट, 1 2 3 4. एंड उसके बाद मलंग, इस वर्ड पे बीट्स आते हैं थोड़े से फास्ट. ऑन द बीट्स हमें ऑफकोर्स बीट्स को फॉलो करना है, म्यूजिक को फील करना है. तो उन बीट्स पे आपका जो स्टेप रहेगा, देयर इज नो फुटवर्क. With your hands,
पहले राइट हैंड को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, लेफ्ट को राइट डायरेक्शन में, एंड दोनों हाथों को खोलते हुए फिर आप पीछे जाएंगे। सो इट विल बी 1 2 3 4। तो हमारा जो कंप्लीट स्टेप रहेगा जग की कोई रीत ना जाने से लेके हवा में होके मलंग तक, दैट विल बी, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ना इसके बाद हमारी मेन लाइन स्टार्ट होती है, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना। ऑन दैट हम लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो हमने अपना जो स्टेप फिनिश किया था 1 2 3 एंड 4, इसके बाद आपका फुटवर्क रहेगा, राइट लेग को आपको टोपे रखना है एंड देन आपको उसको इस तरीके से डैप करना है, और इसी के साथ लेफ्ट लेग को आपको राइट डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए लेकर जाना है। सो 1 2 3 4, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा दोनों हाथ आपके राइट डायरेक्शन में रहेंगे एंड देन आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूव करना है। सो 1 2 3 4 एंड देन ओ मखना वे मखना, ये हमारी लाइन थी, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, एंड देन ओ मखना वे मखना पे लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे एंड देन पीछे रखेंगे, और इसी के साथ हल्का सा हमें अपनी हिप्स को भी बाहर निकालना है। 1 2, और इस स्टेप के साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, जब आपका पैर आगे लेकर जाएंगे उस टाइम पे बोथ हैंड्स को ऊपर लेकर जाना है एंड देन उनको लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए नीचे लाना है एंड देन राइट डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आना है। सो 1 2, ये लाइन थी मखना वे मखना, ओ मखना वे मखना, एंड देन तू ही है संसार मेरा। अगेन हम पैरों में गैप मेंटेन करेंगे और अपने हिप्स को लेफ्ट राइट मूव करेंगे। 1 2 3 एंड 4, इसके साथ हैंडवर्क, पहले आप राइट इंडेक्स फिंगर को सामने लेकर आएंगे, देन लेफ्ट, देन राइट को पीछे लेकर जाएंगे घुमाते हुए एंड देन लेफ्ट को। सो इट विल बी 1 2 3 4, जिस डायरेक्शन में आपको हिप्स लेकर जाएंगे आप उसके अपोजिट हैंड को हमें मूव करना है। सो जब हमारे हिप्स हम राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड सामने जाएगा, जब हम अपने दोनों हिप्स को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे हमारा राइट हैंड सामने आएगा। सो 1 2 3 4 एंड देन अगेन ओ मखना पे मखना पे हम सेम रखेंगे 1 2 3 4 एंड देन कुछ पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। ना इस पे आपका जो फुटवर्क रहेगा वो सेम रहेगा जो हमने किया था जग की कोई, ये स्टेप रहेगा, और इस फुटवर्क के साथ हमें आगे जाना है 1 2 3 एंड 4, और इसके बाद जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस टाइम पे आपकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है उससे आपको अपने सर के पास लाके घुमाना है 1 2, और जब सेम स्टेप आप लेफ्ट लेग के साथ करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर आना है 3 एंड 4। पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, अगेन आपका फुटवर्क सेम रहेगा, राइट लेग को टोपे रखना है एंड डैप करना है एंड लेफ्ट लेग को हल्का हल्का ड्रैग करना है, बट इस बार हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हल्का सा पीछे खिसकना है 1 2 3 4, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखना है सामने और राइट हैंड को फिंगर्स को इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर फिर आना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक बार उल्टा एक बार सीधा, और ये करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे ओ मखना वे मखना एंड देन अगेन मैं छोड़ा ये घर बार मेरा। नाउ दिस टाइम ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारा स्टेप रहेगा, आपका जो फुटवर्क रहेगा अगेन पैरों में गैप मेंटेन करेंगे एंड देन 1 2 3 एंड 4, और इसके साथ हैंडवर्क जाएगा, आपके दोनों हाथ एक बार राइट डायरेक्शन में लेकर जाने हैं 1, अपने हाथों को स्ट्रेट नहीं रखना है फोल्ड करके रखना है, सो 1 एंड देन इन द लेफ्ट 2 एंड 3
एंड फोर। ऑन द काउंट ऑफ थ्री आप दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरीके से घर बनाएंगे एंड देन दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। मखना, ये जो वर्ड है थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, इसके बाद हम दो राउंड्स लेते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 4। तो आपका जो पहला जो लाइन है हमारी, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, वो जो कंप्लीट लाइन है उसके ऊपर स्टेप रहेगा। हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद लाइन फिर से रिपीट हो रही है, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मगना वे मगना। दिस टाइम आपका जो स्टेप रहेगा, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा पे, दैट विल बी अगेन हम लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने राउंड लेते हुए हम काफ़ी लेफ्ट डायरेक्शन में चले गए थे। सो हम स्टार्ट करेंगे, हमारी जो पहली लाइन रहेगी दैट विल बी सेम, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, एंड देन ओ मखना वे मखना पे आप पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन करेंगे एंड देन अपने शोल्डर्स को एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में और एक बार राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे, 1 2 3 4। इसके साथ हैंडवर्क रहेगा, दोनों हाथों को इस तरीके से खोल के रखना है नीचे की तरफ, और जब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट हैंड को हल्का सा ऊपर उठाना है एंड इस तरीके से अपने पास ले जाकर दूर लेके जाना है, सिर्फ पाम को मूव करना है, पूरा हाथ मूव नहीं करना है। सो 1 2 3 4, ये लाइन थी ओ मखना वे मखना। एंड देन अगेन तू ही है संसार मेरा, उस पर हम सेम रखेंगे, 1 2 3 4, एंड देन ओ मखना वे मखना। इस पर फुटवर्क जो रहेगा, लेफ्ट लेग पे आपको हल्का सा अपनी हील को उठाते हुए बाउंस करना है, 1 2 3 4, और इसके साथ राइट लेग को नीचे डैप करना है, सिंपली सिर्फ आपको जमीन से टच कराना है। सो 1 2 3 4, और ये स्टेप करते हुए हल्का सा हमें पीछे की तरफ टर्न होना है, और आपके जो दोनों हाथ रहेंगे वो आपको ऊपर रखने हैं अपने शोल्डर से ऊपर, और राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन में घुमाना है। सो 1 2 3 4, एंड देन कुछ पागल सा है प्यार मेरा। ऑन दैट आप दो बार आगे जाएंगे और दो बार पीछे जाएंगे। सो पहले हम राइट लेग को आगे रखेंगे, देन लेफ्ट लेग को, एंड देन पीछे जब जाएंगे तो राइट लेग को पहले पीछे रखेंगे एंड देन लेफ्ट लेग को। ना जब आप आगे जाएंगे आपको अपने टमी को बाहर निकालना है आगे की तरफ, सो 1 2। जब आप पीछे जाएंगे तो आपको पीछे की तरफ बेंड होना है, 3 4। ओके, जब आप आगे जाएंगे तो आप पीछे की तरफ बेंड होंगे, और जब आप पीछे जाएंगे तो आगे की तरफ बेंड होंगे। और इसके साथ अगेन हैंडवर्क सेम रहेगा, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को सर के पास लेकर आना है, देन 1 2। सो इट विल बी 1 2 3 4, एंड अगेन ओ मखना वे मखना पे सेम रखेंगे, 1 2 3 4, एंड देन अगेन मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, फुटवर्क सेम रहेगा जो हमने किया था कुछ पागल सा है प्यार मेरा पे, 1 2 3 एंड 4। इसके साथ हैंडवर्क पहले वाला रहेगा, राइट लेफ्ट अप डाउन, एंड देन अगेन ओ मखना, थोड़ा सा लंबा जाता है और हम लेफ्ट डायरेक्शन में राउंड लेते हुए जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। दोनों हाथों की जो पोजीशन रहेगी वो हल्की सी ऊपर की तरफ रहेगी। तो हमारा जो कंप्लीट स्टेप रहेगा ऑन द लाइन, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, जो सेकंड टाइम जो लाइन रिपीट हो रही है उस पर आपको जो स्टेप रहेगा, हम लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इसके बाद जो म्यूजिक स्टार्ट होता है उस पे आपका जो फुटवर्क रहेगा, राइट लेग को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है, लेफ्ट लेग को ड्रैग करना है, 1 एंड देन 1 मोर टाइम 2 एंड देन 3 4।
ना जब आप अपने राइट लेग को राइट डायरेक्शन में रखेंगे उस टाइम पे आपको अपने टो पे रखना है, एंड देन जब आप लेफ्ट लेग को ड्रैग करेंगे उस टाइम पे आपको उसको नीचे रखना है. 1 2 3 4. सो ये था आपका फुटवर्क. 1 2 3 4. पहले हम टो पे रखेंगे एंड देन हम उसको नीचे रखेंगे. और ये जो स्टेप है हमें 8 times करना है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो 8 times सेम रहता है. सो हमें 8 बार ये करना है. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आप दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अपने सामने नीचे की तरफ, एंड देन धीरे धीरे उसको खोलेंगे. सेम चीज़ जब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे ना, पैरों को आपको 2 बार मूव करना है और 2 बार ही आपको अपने हाथों को ओपन करना है. सो 1 2 3 4. सेम चीज़ जब बाकी के जो 4 times हैं उसमें आपको हल्का सा ऊपर करना है. 1 2 3 4. अगेन इस स्टेप में थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को जब आपने राइट लेग को रखा उसको टो पे रखा एंड देन नीचे, सेम चीज़ लेफ्ट लेग को आप जब ड्रैग करके लेकर आएंगे आप उसको सिर्फ टो पे रख सकते हैं, एंड देन 1 2 3 4. सो जब भी आप दूसरे पैर को मूव कर रहे हैं उस टाइम पे आपको अपने एक पैर को टो पे रखना है और एक पैर को आपको फ्लैट रखना है. और इसके साथ आप अपनी कमर मूव कर सकते हैं. जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ और पैरों को मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको कमर को बाहर निकालना है. सो 1 2 3 4. और इसके साथ आपके जो हाथ हैं आपको सिंपली ओपन क्लोज नहीं करना है, हल्का सा वेव करना है. पहले आप दोनों हाथों को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन बाहर की तरफ. सो इस तरीके से आप अपने स्टेप में थोड़ी और फिनिशिंग ला सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन म्यूजिक को फील करना है, आपको स्माइल करना है और आपको उसी डायरेक्शन में देखना है जिस डायरेक्शन में आपके हाथ जा रहे हैं. सो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी. अगर आप बिगिनर हैं और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सामने ऑडियंस की तरफ देख पाएँ, सो उस केस में आप पूरे टाइम अपने हाथों को देख सकते हैं. इससे 2 फायदे होंगे. पहली चीज़, आप ऑडियंस को देख के घबराएंगे नहीं. सेकेंड थिंग, जब आप अपने हाथों को देखते हैं तो आपको पता होता है कि आपके हाथों का पोस्चर कैसा है, तो आपके हाथों के जो हैंडवर्क है उसमें फिनिशिंग आती है. लेट्स से एक सिंपल से स्टेप से हम एग्जांपल लेते हैं. आपका स्टेप है ये. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ आप सामने देखकर स्माइल कर सकते हैं एंड देट वुड बी द बेस्ट. बट अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, अभी आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सामने लोगों को देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, इन दैट केस आप अपने हाथों को देख सकते हैं. 1 2 3 and 4. दिस इज ऑल्सो लुक्स गुड, बट हमें प्रैक्टिस डालनी है सामने कॉन्फिडेंटली देखने की, ताकि लोगों को हमारे एक्सप्रेशंस भी दिखाई दें और डांस में थोड़ी और एनर्जी आए. सो 1 2 3 and 4, या फिर 1 2 3 and 4. ध्यान रखें हमें अपनी नर्वसनेस को अपने फेस के ऊपर नहीं लेकर आना है. सो म्यूजिक पे जो आपका स्टेप था दैट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ इसके बाद जो लाइन स्टार्ट होती है दैट इज तेरी ही बातें हों सुबह सी रातें हों. ना अगर आपको याद हो तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में गए थे. 1 2 3 and 4 विद दिस स्टेप, एंड यहीं पे आपको म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म करना है दिस वन. एंड देन जब लाइन स्टार्ट होती है तेरी ही बातें हों, उस पे आपका फुटवर्क अगेन आपको पैरों में गैप मेंटेन करना है, एंड देन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. बट ये स्टेप हमें सिर्फ 2 बार ही करना है, 1 and 2. ध्यान क्या रखना है आपको, इस बार आपको अपनी हील को ऊपर उठाना है और अपने नी को लेफ्ट डायरेक्शन से मूव करते हुए राइट डायरेक्शन तक लेकर जाना है एंड वापस रखना है. सो 1 2. लेफ्ट वाला जो पैर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. आप कह सकते हैं कि आपको इनसाइड से स्टार्ट करना है एंड देन घुमाते हुए बाहर लेकर जाना है एंड देन बैक टू द पोजिशन.
सेम चीज लेफ्ट के साथ आप अंदर से स्टार्ट करेंगे, बाहर की तरफ घुमाते हुए लेकर जाएंगे एंड बैक टू द पोजिशन. सो 1 2 और इसी के साथ अपने हिप्स को भी हम मूव करेंगे. और आपका जो हैंड वर्क रहेगा इसके साथ, जब आप अपने राइट लेग को मूव करेंगे आपका राइट हैंड सामने जाएगा 1, लेफ्ट लेग के टाइम पे लेफ्ट हैंड सामने आएगा 2. इसके बाद बातें हो पे आपका जो लेफ्ट हैंड है वो सेम जगह पे रहेगा और जो आपका राइट हैंड है आपको लिप्स के पास लेकर आना है, अपनी फिंगर्स को वेव करते हुए राइट डायरेक्शन में मूव करना है. सो 1 2 एंड देन जब आप अपने राइट डायरेक्शन में अपने हाथ को लेकर जाएंगे आपको हल्का सा अपने पैरों को भी राइट डायरेक्शन में मूव करना है. 3 4 पहले राइट लेग को राइट डायरेक्शन में, देन लेफ्ट लेग को. इसी फुटवर्क को आप दो बार और कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 एंड 4 और इस बार आपको अपने लेफ्ट हैंड को सेम जगह रखना है, राइट हैंड को स्ट्रेट करना है पाम को एंड दो बड़े सर्कल्स बनाने हैं 1 2 3 एंड 4. सुबह सी रातें हो, सो आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन द नेक्स्ट लाइन इन, जब से मिला है तो दिल को मिला सुकून. हमने फिनिश किया था 1 2. नाउ इसके बाद आपका जो फुटवर्क रहेगा ऑन द लाइन, जब से मिला है तो दिल को मिला सुकून, लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, राइट लेग को उसके पास लेकर आएंगे ऑन द टो. सेम चीज राइट डायरेक्शन में करेंगे, राइट लेग को फ्लैट रखेंगे राइट और लेफ्ट लेग को टो के ऊपर लेकर आएंगे राइट डायरेक्शन में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये स्टेप हमें राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है. पहले हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, पहले आप अपने राइट हैंड को जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं उस टाइम पे लेफ्ट शोल्डर पे लेकर आएंगे और जब आप राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे उसको राइट शोल्डर के तक लेकर आना है. सो 1 2 देन जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे आपको अपने हाथ को सामने की तरफ पॉइंट आउट करना है 3 4. सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे 1 2 3 4. तो आपका जो स्टेप रहेगा ऑन द लाइन, जब से मिला है तू दिल को मिला सकूं, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज तू ही राह मेरी, तू ही सफर है. नाउ दिस टाइम तू ही राह मेरी पे आपका फुटवर्क रहेगा, राइट लेग को आगे रखेंगे एंड देन आप यहीं से राइट लेग को उठाकर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन वन मोर टाइम आगे रखेंगे एंड देन पीछे. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, जो आपका राइट हैंड है वो आपके राइट लेग के साथ रहेगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसके अपोजिट. सो 1 2 3 4. इसके साथ आपको अपने हाथों को हल्का सा फास्ट मूव करना है रादर देन योर लेग्स और आपको अपने दोनों हाथों को कम्प्लीटली ओपन करना है और जिस डायरेक्शन में आपका राइट लेग रहेगा उस डायरेक्शन में आपको बेंड करना है. सो 1 2 3 4 ये हमारी लाइन थी तू ही राह मेरी एंड देन तू ही सफर है. ऑन दैट बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, सिंपली आपको अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लेकर जाना है, आप चाहें तो कमर पे भी रख सकते हैं एंड देन बेंड करते हुए 3 कदम आगे जाना है एंड देन ऑन द काउंट ऑफ 4 आपको जंप करना है. सो 1 2 3 4 इसी के साथ आपको अपने शोल्डर्स को सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करना है 1 2 3 4 आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है. सो तू ही सफर है पे आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4 एंड देन तेरी बाहों में अब मेरा घर है. ऑन दैट तेरी जो लाइन है उस पर हमारा स्टेप सेम रहेगा 1 2 एंड देन बाहों में आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे, क्रॉस करते हुए अपने पास लेकर आएंगे एंड देन अगेन पीछे की तरफ अपने हाथों को खोलते हुए लेकर जाएंगे. सो 1 2 3 4 एंड देन अब मेरा घर है. ऑन दैट आप अपने दोनों हाथों को अपने पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, आपको वन एक के ऊपर एक अपने हाथ को रखना है एंड देन राइट लेग को राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट लेग उसको फॉलो करेगा और आप हल्का सा बेंड करेंगे 1 2.
जब आप राइट लेग को खिसकाएंगे उस टाइम पे आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ, आपको अपनी एल्बोज को लेकर जाना है, और जब लेफ्ट लेग को आप इसके पास लेकर जाएंगे दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आना है। सो 1 2, सेम चीज लेफ्ट डायरेक्शन में, 3 4, ये हमारी लाइन थी अब मेरा घर है ना। ये जो आपकी कंप्लीट लाइन थी तेरी ही बातें हों, उस पे आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा फ्रॉम द लाइन तेरी ही बातें हों से लेके तेरा अब मेरा घर है तक, दैट विल बी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है चैन न जाने दर्द न जाने। ना ऑन दैट आपका फुटवर्क रहेगा, पहले हम बात करेंगे चैन न जाने पे, उस पर दो बार आप आगे जाएंगे दो बार पीछे आएंगे 1 2 3 4, और आपके हाथ जो रहेंगे दोनों को आपको अपने फेस के पास रखना है और इस तरीके से शेक करना है। सो 1 2 3 एंड 4, देन दर्द न जाने पे लेफ्ट हैंड जो है वो आपको पीछे की तरफ स्ट्रेट रखना है, राइट हैंड को फिस्ट बनाना है और अपने फोरहेड के पास लेकर जाना है और दो बार 1 2 इस तरीके से मूव करना है। और इस स्टेप के साथ आपका जो फुटवर्क रहेगा, राइट लेग लेफ्ट लेग को ड्रैग करेंगे, देन राइट लेग एंड लेफ्ट लेग को ड्रैग करना है, सेम चीज हमें लेफ्ट डायरेक्शन में करनी है 1 2। सो आपका जो पूरा स्टेप रहेगा चैन न जाने दर्द न जाने, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन दिल तो बस दिल को पहचाने। ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा, अगेन पैरों में हम हल्का सा गैप मेंटेन करेंगे एंड देन बाउंस करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव करना है 4 times, 1 2 3 4। और इसी के साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा एंड जो आपका राइट हैंड है एक बार आप लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे एंड देन नीचे एंड 1 more time लेफ्ट शोल्डर पे एंड देन नीचे एंड देन पहचाने पे आप अपनी दोनों हाथों को पहले अपने फेस के पास इस तरीके से सामने लेकर आएंगे, देन राइट हैंड को आप दूर लेकर जाएंगे एंड देन स्विच एंड स्विच। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हाथ आपका सामने रहेगा वो सीधे रहेगा, जो फेस के पास रहेगा वो उल्टा रहेगा। एंड देन अगेन मेला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, उस पर हम सेम स्टेप रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन अगेन हवा में होके मलंग 1 2 3 4, एंड इसके बाद मलंग जो वर्ड है वो थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड हो रहा है, सो हम इस बार दो राउंड लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथों को आपको ऊपर से लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाना है। एंड देन इसके बाद बहुत ही स्लो म्यूजिक के साथ हमारी लाइन रिपीट होती है, मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मकना वे मकना। नाउ दिस टाइम आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी मैं छोड़ा ये घर बार मेरा पे, एक बार आप अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट डायरेक्शन में ऊपर इस तरीके से लेकर जाएंगे, देन राइट हैंड को लेकर जाएंगे एंड देन दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइंट करेंगे एंड देन नीचे। और इसके साथ आपका जो फुटवर्क रहेगा, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जा रहे हैं उस टाइम पे आपको अपने लेफ्ट लेग को उठाकर लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है एंड देन सेम इन द राइट डायरेक्शन, एंड देन आपको सिर्फ अपने हिप्स को मूव करना है घर बार मेरा, एंड देन ओ मखना पे हम वॉक करते हुए राइट डायरेक्शन में जाएंगे, नीज के ऊपर बेंड करना है। और इसके साथ हैंडवर्क रहेगा, सिंपली लेफ्ट हैंड सामने रहेगा और जो राइट हैंड है वो उसको आपको उसके ऊपर इस तरीके से मूव करना है। सो 1 2 3 4, देन अगेन तू ही है संसार मेरा। नाउ इस टाइम ओ मखना पे मखना पे हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3 4, कुछ पागल सा है प्यार मेरा, उस पे आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको लेफ्ट अपनी कमर के ऊपर रखना है और जो आपका राइट हैंड है उसको आपको अपने हेड के पास ले जाके सर्कुलर मोशन में मूव करना है। और अगेन
नीज के ऊपर बेंड करते हुए वॉक करते हुए राइट डायरेक्शन में जाना है, 1 2 3 4। हमें अपनी नेक को भी इस स्टेप के साथ मूव करना है, 1 2 3 and 4। एंड देन ओ मखना वे मखना, इस बार आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी लेफ्ट लेग को अगेन हम लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे, हिप्स को बाहर निकालेंगे एंड देन राइट लेग को रखेंगे सेम चीज राइट डायरेक्शन में। और इसके साथ आपका हैंडवर्क रहेगा, दोनों हाथ ऊपर हवा में रहेंगे, पाम्स को ओपन रखना है एंड देन वेव करना है, 1 2 3 4। ये था ओ मखना वे मखना। एंड देन अगेन मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, अगेन स्टेप सेम रहेगा, 1 2 3 4। एंड देन अगेन ओ मखना, ये जो वर्ड है अगेन थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, इस पे आपका जो स्टेप रहेगा हम लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड देन राइट लेग को उसके पास लेकर जाएंगे एंड देन वन मोर टाइम लेफ्ट इन द लेफ्ट एंड राइट लेग विल फॉलो दिस। इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपके दोनों हाथ आपको ऊपर करने हैं एंड देन हल्का सा लेफ्ट डायरेक्शन में उनको बेंड करना है एंड इस तरीके से वेव करना है, सो 1 2 ओ मखना वे मखना। एंड देन अगेन मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, उस पर स्टेप सेम रहेगा, 1 2 3 4। एंड देन ओ मखना, अगेन आप अपने दोनों हाथों को फोल्डेड करेंगे एंड ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड दो राउंड्स, 1 2 3 4। एंड देन अगेन मैं छोड़ा ये घर बार मेरा। नाउ इस बार ओ मखना वे मखना जो वर्ड है वो नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है। सो हम मैं छोड़ा ही घर बार मेरा पे हम दो बारी राइट डायरेक्शन में जाएंगे, दो बारी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 4। एंड देन ओ मखना वे मखना पे हम ये वाला स्टेप करेंगे, एक्चुअली वर्ड नहीं है ओ मखना वे मखना, उसमें सिर्फ म्यूजिक है, सो 1 2 3 4। एंड देन अगेन तू ही है संसार मेरा, उस पे हम सेम स्टेप रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड देन कुछ पागल सा है प्यार मेरा, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट वेस्ट के ऊपर रखना है एंड देन जो राइट इंडेक्स फिंगर है उसको ऊपर की तरफ करना है एंड देन राउंड एंड राउंड मूव करना है। इसी के साथ नीज के ऊपर हम बेंड करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे अपने फुटवर्क से, 1 2 3 4। और आपको एक्सप्रेशंस भी वैसे ही देने हैं, 1 2 3 4। सिंपली आपको अपनी आईबॉल्स को ऊपर लेकर जाना है यानी कि ऊपर देखना है। एंड देन अगेन ओ मखना पे मखना पे सेम, 1 2 3 4। एंड देन अगेन मैं छोड़ा ही घर बार मेरा एंड राउंड लेते हुए हम इस सॉन्ग को फिनिश करेंगे। सो ये जो कंप्लीट स्टेप था मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, जो सेकंड वाला था जिसमें ओ मखना वे मखना वर्ड नहीं है, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये था मेरा ट्यूटोरियल ऑन द सॉन्ग मखना। नाउ इसका जो परफॉर्मेंस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है म्यूजिक को लेके तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही मेरा और एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड कीप स्माइलिंग।